अगर मैं आपको बोलूं कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट करता है जिसको आज तक कोई भी बैन नहीं कर पाया और उसने बहुत सारे ट्रैप बहुत ही इजीली एस्केप किए हैं, वेल बिलीव नहीं हो रहा ना, तो उस प्लेयर का नाम है सेनपाई स्पाइडर। और आज मैं उसी प्लेयर को बैन करने वाला हूं। पर मुझे उसे बैन करना ही क्यों है? तो कुछ दिनों पहले इसी प्लेयर ने मेरा माइनक्राफ्ट अकाउंट लेके मुझे लापता एसएमपी से बैन कर दिया था। बाय बाय डीओपी। और कुछ दिनों बाद ही मैं सर्वर में रिवाइव तो हो गया था। हेलो हेलो, थैंक यू पीएचडी भाई रिवाइव करने के लिए, दिल से धन्यवाद है भाई। अबे काय का धन्यवाद है? चड्डी गैंग का नाम खराब कर रही है, फालतू बैन होके आ रहा है कुछ भी किधर भी। ऐसा क्या फोकट में तेरे को अनबैन करूँ क्या? हर बार ओपन बनाया तेरा किसी ने? आप बस मुझे ये बताओ, अगर मुझे बदला चाहिए तो मुझे उसे बैन करना होगा। मैं बैन कैसे करूँ उसे? मैं अबे कोई भी किसी को भी बैन कर सकता है, बस वो मेंटल चाहिए। अच्छा चल, अब मैं निकल रहा हूँ, 3-4 दिन में मेरे को दिखना चाहिए रिजल्ट। नहीं नहीं, अभी आप देखना, आग लगा दूंगा मैं। पीएचडी भाई ने मुझे सेनपाई को बैन करने के लिए तो कह दिया था, और चड्डी गैंग का नेक्स्ट मिशन बन गया था टू बैन सेनपाई स्पाइडर। तो अब सेनपाई को मारने के लिए मुझे एकदम झकास प्लान चाहिए था, जो कि शायद से मेरे पास था। देखो पीएचडी भाई, क्यों ना मैं सेनपाई को 20 बार मार के उसे बैन करने के बजाय मैं उसे शलकर बैन कर दूं। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि अबे पर ये शलकर बैन है क्या? भाई मालूम है मेरे को यार, शलकर के अंदर वो बहुत सारी बुक्स रखते है जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, और अगर वो किसी की इन्वेंटरी में आ गया तो वो कभी गेम ज्वाइन नहीं कर सकता। वही ना, तो इसी प्लान के साथ मैं निकल गया सेनपाई स्पाइडर को शलकर बैन करने। पर पीएचडी भाई यहाँ पे एक और दिक्कत, देखो अगर मैं रैंडमली किसी प्लेयर के पास जाके एक शलकर फेंकूंगा तो वो तो सीधा वहां से भाग जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बना रहा हूँ एक रेडस्टोन मशीन, जिसमें कि जैसे ही मैं गेम को लीव करूँ वैसी जो मेरी कैट है ये एक रेडस्टोन सिग्नल भेजेगी पिस्टन की तरफ, और वो सीधा नीचे गिर के सेनपाई स्पाइडर की इन्वेंट्री में जाके वो लापता एसएमपी से बैन हो जाए। एंड थोड़ी प्रिपरेशन करने के बाद मैंने बुला लिया सेनपाई स्पाइडर को। भाई एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, बात करनी है तेरे को। मैं कहाँ हूँ उधर भाई, मैं हूँ थोड़ा इधर ही आगे हूँ उस फोन के, तू आना मेरे पास। आना भाई तू, यहाँ पे खाना वाना नहीं है मेरे पास। बट मैं देख पा रहा हूँ भाई। बता भाई क्या बात है तेरी? देख, मुझे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बता, तेरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है? थोड़ा साइड में। कहाँ साइड में? थोड़ा राइट साइड। मतलब ऐसे? देखो इधर, मैं तू चाहता मैं इधर खड़ा हूँ। कहाँ पर है तेरा ड्रिपस्टोन मशीन, या फिर एरो मशीन, या टीएनटी ट्रैप, या फिर वार्डन ट्रैप? कहां से आसमान से गिरने वाले? देख ले भाई, ऊपर से सेनपाई एग्जैक्ट उस लोकेशन पे खड़ा हुआ था, और मेरी मशीन भी पूरी रेडी थी, और अब बस मुझे मेरे गेम को लीव करना था। एंड भाई देखो, हैं तो भाई करना क्या चाह रहे तू? को बात कुछ हुआ नहीं क्या भाई? कुछ करेगा तो होएगा ना तू मेरे को? भाई तो बहुत वियर्ड है ऑनेस्टली बताऊं तो। या जैसे ही मैंने गेम को लीव किया वैसी कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब कि मैंने जो मशीन बनाई थी वो वर्क नहीं करी, और मेरा जो शल्कर बैन का प्लान था वो फेल हो गया था। और अब मेरे पास सेनपाई को बैन करने के लिए सिर्फ एक तरीका बचा था, जिसमें मुझे उसका स्पॉन पॉइंट ढूंढ के उसे लगातार 20 बार मारना होगा जब तक वो लापता एसएमपी से बैन नहीं हो जाता। पर यहां पे एक और फिर से दिक्कत आ गई है कि मैं उसका स्पॉन पॉइंट कहां से लाऊंगा? कहां से? वेल कुछ दिनों पहले सेनपाई ने एक लाइव की थी जिसमें उसने अपना बेड पॉइंट गलती से लीक कर दिया था, और जब मैं वो कोऑर्डिनेट्स पर गया, ये किसका स्पॉन पॉइंट मिला है भाइयों? सेनपाई भाई, अभी हमारा प्लान 50% कंप्लीट तो हो गया था, और अब हमें कोई तरीका चाहिए सेनपाई स्पाइडर को सिर्फ एक बार मारने का, ताकि जब वो मरने के बाद अपने स्पॉन पॉइंट पे वापस आए तो हम उसे बार बार मार के सीधा बैन कर दे। और उसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट तरीका है, लेट्स मेक अ ज़ू, जिसमें मैं माइनक्राफ्ट के सारे मॉब्स रखने वाला हूँ। देखो एक जू मतलब मैं उसमें माइनक्राफ्ट के हर एक मॉब रखने वाला हूँ, और हर एक मॉब का मतलब मैं उसमें गार्डियन भी रखूंगा, और जब मैं सेनपाई को दिखाने के लिए बुलाऊंगा तो उसे गार्डियन से माइनिंग फटीक लगेगा, जिससे कि वो ब्लॉक्स को माइन ही नहीं कर पाएगा। और इसी चीज का फायदा उठा के मैं उसे सिंपल से रेडस्टोन डोर में ट्रैप करूंगा। एंड क्योंकि लापता एसएमपी में अभी हम सिर्फ एक आयरन आर्मर ही पहन सकते हैं, तो ये इतना भी हार्ड नहीं होगा। और उसके बाद मैं निकल गया मेरा जू बनाने में। देखो गाइज, हमारा खड्डा तो पूरा हो गया है, और अब मुझे इसमें बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, विच इज इजी गाइज। और अब मुझे यहाँ पे एक एक करके सारे मॉब्स डालने हैं, जैसे कि पिंक शीप, इसको छोड़ते हैं, जैसे कि एक रैक्स को भी छोड़ते हैं भाई, जैसे कि कोई इजी वाला मिल जाए यार, मैं दिखा पाऊंगा वुल्फ, जैसे कि एक पिग। ए आजा भाई, आजा 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 भाई जल्दी। नो क्रीपर क्रीपर। ओके, 1 आउट ऑफ बहुत सारे, डन।
और अब बस मुझे धीरे धीरे करके ये सारों में मॉब डालने हैं। उसके बाद मैंने सारे इजी वाले मॉब्स कलेक्ट कर लिए थे क्योंकि वो इजी थे, पर अभी भी कुछ हार्ड वाले मॉब बच गए थे, जैसे कि एक क्रीपर बोला आजा भाई पीसफुली आजा। यस ओके 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 आई डोंट नो गाइस मैं यहाँ पे पिंक शीप कैसे लाने वाला हूँ। आइडिया ये है नॉर्मल शीप ठीक है, और ये बहुत ज्यादा रेयर नहीं है, पर अभी ये बन गए पिंक शीप। वो फॉक्सी 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 वेयर आर यू ए वो रहा गाइस फॉक्स यो। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके हर एक एक मॉब कलेक्ट कर लिए थे एंड थोड़े बहुत मॉब्स बच गए थे गाइस प्लीज इग्नोर। पर अभी बात आती है सबसे मेन मॉब की जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था विच इज गार्डियन, एंड ट्रस्ट मी गाइस उसको लाना इतना भी आसान नहीं। नो मैं मरने वाला हूं, मैं मरने बस 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 चला जा प्लीज 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 गार्डियन प्लीज गार्डियन। अबे दो दो कैसे आ गए अबे अबे दो दो यस यो। और जितना जा रहा है गाइस मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सही में दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब ठीक है प्लीज। और ये वीडियो से मेरे को जितने सब्सक्राइबर मिलेंगे मैं उतने TNT लगाने वाला हूँ लापता SMP में। रुक गया भाई वो जा रहा है तो माइनकार्ट वो यस व्हाट इज दिस गार्डियन 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 इसको अभी पुश करना है। यस क्या मस्त जा रहा है गार्डियन देख रही हो पे मैं ये कर रहा हूँ अगर ये मरा अब अगर मर गया मैं भाई मैं रो दूंगा सर बता रहा हूँ मैं कैमरा पे रोऊंगा मैं बोल रहा हूँ ठीक है। अरे रुक गया रुक गया रुक गया आ जा गार्डियन गार्डियन यस 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 यस। फाइनली मैंने मेरा जू तो बना लिया था, पर जब मैं ये बना रहा था मुझे एक चीज का डर था कि क्या हो कि सेनपाई यहाँ पे आने से ही मना कर दे। इसीलिए जब मैं ये जू बना रहा था तब मैंने सेनपाई को मेरी हेल्प करने के लिए खुद बुला लिया था। और तो मुझे इसमें यहाँ पे पूरा पानी भरना है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भरूं कैसे क्योंकि गार्डियन मुझे बार बार ऐसे हिट करता रहेगा जैसे अभी कर रहा है। बस हर एक मॉब है यहाँ पे मतलब थोड़े बहुत नहीं है जो कि ला नहीं पाया। पानी है तो बस हाँ क्यों नहीं है भाई इन्फिनिट पहले सोर्स बनाता है पानी का ऐसे करना होगा हर एक ब्लॉक में या एक टाइम के बाद वो खुद होने लगेगा और अपन को नहीं बनना पड़ेगा। देखो आफ्टर पॉइंट अपन यहीं से निकाल सकते हैं पानी सारा वेरी इजी एक दो बाकी है हो गया मौका आ गया था। PhD भाई भी रेडी थे और अब बस मुझे सेनपाई को बुलाना था। तो भाई वो जू जो कि पिछले दिन बना नहीं था अभी वो ऑलमोस्ट पूरा बन गया है। ओ भाई यहाँ पे पानी वानी लगा दिया तूने नीचे भाई पूरा फुल एक्सपीरियंस। और एक गार्डियन लाने में भी भाई बहुत लगा टाइम मतलब अभी तो वही है ना जिस पानी डाला था जिसमें हाँ पानी लगाने में भी लगा और थोड़े मॉब में ला नहीं पाए जैसे कि मैग्मा। हाँ कोई बात नहीं बट ओवरऑल तो अच्छा ही लग रहा है देखने में। अरे फटीक लग गया भाई हाँ मतलब ये है लगना ही है भाई का ओके भाई मार दी यार भाई ये बंदे यहाँ पे और है क्या मॉब्स यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट एरिया ठीक है तुझे जाना है तो जा सकता है मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई ना ही जा। और अब सेनपाई बिल्कुल मेरे ट्रैप के तरफ ही जा रहा था क्योंकि जैसे ही वो ये रेडस्टोन डोर के अंदर जाएगा भाई मैं अटक गया तेरे डोरों में है अटक गया अंडर डेवलपमेंट था भाई रुको सेनपाई मेरे ट्रैप में तो फंस गया था पर अब मुझे उसे वहाँ पे होल्ड करके रखना था क्या करूँ भाई निकाल ना मेरे को निकाल कैसे निकालूं है माइनिंग फटी कितनी देर का है तीन मिनट अरे म्यूजियम के चक्कर में अगर मैं मरा ना नहीं भाई अरे डोर खोल ना भाई तू है डोर खोल ना प्रेशर प्लेट पे खड़ा रहे अब तो दूर आ गया भाई मैं अबे यार वापस आना फिर आ रहा हूँ रुक जा मैं चल भाई तू बस मर मत जाइयो भाई अबे तू डोर खोलने में चल के भाई आ रहा हूँ मैं रुक जा तू बस रीजन करता रहे ठीक है यार मेरा प्लान थोड़ी ना था ऐसा कुछ भाई होना भी नहीं चाहिए भाई क्या है ये इतना लंबा रास्ता तूने किसके लिए बनाया था पिस्टन का भाई इतना लंबा रास्ता पिस्टन का फूल लगेगा नहीं जाएगा भाई मुझसे ले लियो हर्ट भाई कोई दिक्कत नहीं है हर्ट वर्ट की वो तो बाद की बात है मेरे 43 लेवल भाई वो ओ यस 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 ओ भाई बाहर निकालो रुको पेशेंट भाई ये जॉइन हेलो Oh my god, it is a plan! Respawn senpai, senpai respawn! Oh my god, it is all a plan! The senpai spider! DOP boy se mar gaya mujhse! Bhai wo ek trap tak nahi tha, wo ek simple redstone door tha, aur tu usme mar gaya bhai, wow! Thank you so much for being so stupid! Oh my gosh, ek piston ka door, come on! Ruko, pissed bhai, abhi, kya bhai?
थोड़ा मजे तो लेने दो। क्या सनपाय, तुझे तो याद ही होगा लापता एसएमपी के पिछले वाले सीजन में मैंने तेरी टीम ज्वाइन करूंगा तो मैं सनपाय की टीम को ज्वाइन करूंगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा अकेला था और उसकी टीम में कोई भी नहीं था। अरे भाई हमने साथ में कुछ मिशन भी किए थे पर तूने मुझे बिट्रे किया था। उसे कुछ दिनों बाद भी मैंने तेरी हेल्प करी ट्रैप बनाने में और आखिर में क्या किया तूने, तूने उसी ट्रैप से मुझे मारा था। बोल भाई सर, I'm betrayed kind of. और उसको भूल के जब मैंने सीजन 5 में तुझे मेरा अकाउंट दिया, यू डिड व्हाट, तूने बार बार वही सेम चीज की। अरे यार अकाउंट का भुला जा यार, इतनी थोड़ा हो गया उस टाइम उस बात को। इन माय डिफेंस वो उसमें मजा आ रही थी, ठीक है, उसमें इतना एक प्लेयर को बैन करने से उस वक्त इतना वो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ अब लग रहा है। मजा तो चड्डी गैंग को भी आएगा अभी बैन करके। ओह यस यस फॉर श्योर मजा तो आएगा। सेंपाई भाई थोड़ा ट्राई तो कर बाहर निकलने का, ऐसे कैसे हार मान सकता है भाई। बाहर निकल के निकलने के तो रास्ते होंगे तो फिर चलो शुरू हो जाओ सेंपाई भाई। करो करो भाई आराम से तोड़ो। अबे डियो भी पागल है क्या, उसको जाने क्यों दे रहे हैं? अरे पीएचडी भाई आप चिंता मत लो, बिना मेरी मर्जी के सेंपाई यहाँ से जा ही नहीं सकता। वो रुको 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 रुको, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। टू हार्ट्स पे, टू हार्ट्स, एक हिट एंड यू विल बी डेड। प्रीटी मच बता। देख मैं अभी भी बोलूंगा जो तूने अभी किया है, इट इज वेरी इंप्रेसिव। ट्रैप था वो एक, आई गॉट ट्रैप्ड इन इट व्हिच इज वेरी गुड, बट अब यहां पे तेरे को जरूरत नहीं है। यू हैव कंप्लीटेड योर गोल, अब बाकी तेरे इट्स ऑन यू डीओपी, तेरे को अच्छे काम करने हैं या बुरे। चल भाई सेंपाई अभी तुझे मार के गेम शुरू करेगा, ये हिट बहुत कुछ डिसाइड करेगा, मेरा किल नहीं बहुत कुछ डिसाइड करेगा डीओपी तेरे ऊपर है, तो कोई गेम खेलना है। मैं भी गेम्स खेलने में बहुत अच्छा। अभी वो पुराना जमाना नहीं रहा जिसमें मैं तुझे बार बार ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट करूंगा। एक सिंपल बात है, मैं सेनपाई को धोखा नहीं दे सकता, वो ही एक इंसान था जिसकी वजह से मैं आज मैक्स आउट हुआ हूँ, मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? और तू मुझे बार बार मारे, अभी समय बदल चुका है भाई और गेम तो मैं भी खेल सकता हूँ। उसके बाद हमने सेनपाई को बार बार मारना तो शुरू कर दिया था और उस कंडीशन में कोई भी प्लेयर उसे आसानी से बैन कर सकता था, पर असली हिम्मत तो उसे वहाँ से जाने देने में चाहिए थी। देखो सेनपाई ने मुझे अनफेयर वे में बैन तो कर दिया था पर हमें उसे बैन करने की जरूरत ही नहीं थी, और वैसे भी चड्डी गैंग का एक उसूल है कि हालांकि सामने वाला बड़े से बड़ा धोखा दे दे पर चड्डी गैंग हमेशा उसे एक चांस देगी। और इसीलिए सेनपाई 10 सेकंड है तेरे पास, निकल। Yo, और हाँ, एक बात जरूर याद रखियो, डू वॉट एवर यू कैन बट नेवर मेस विद चड्डी गैंग। तो सेनपाई को वहां से भगाने के बाद हमारा इजी वाला टारगेट तो कंप्लीट हो गया था पीएचडी भाई, क्योंकि चड्डी गैंग का नेक्स्ट मिशन है। पानी लगाओ पानी। वाटर 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 लगा। वाटर वाटर वाटर। ओ